सुना है कृष्ण, लड्डू गोपाल और राधा रानी के भक्त कुछ यूं हैं कि एक बार उनके प्रेम में पड़ गए तो दुनिया को भूल जाते हैं। और ये प्रेम एक तरफा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम ही हमारे भगवान से प्यार करते हैं, हमारी सीमा से कई ज़्यादा भगवान हमसे प्यार करते हैं। ये प्रसंग सुनिएगा, आंखें बंद करके सुनिएगा और आप मेरा विश्वास मानिए, जिस तरह से मैं हैरान रह गई थी आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये प्रसंग है रमा जी का, जो वृंदावन बरसाना दर्शन मात्र के लिए गई और जो उनके साथ हुआ वो उनके परिवार ने भी कभी सोचा नहीं था। रमा जी की शादी एक अच्छे परिवार में हुई, काफी पढ़ी लिखी भी थी, उनको किसी बात की कोई कमी नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, हर किसी के जिंदगी में सब कुछ मिल जाए तो फिर जीवन में संघर्ष और जीने का फायदा ही क्या। उनको भी एक कमी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। शादी को करीबन 7 साल हो चुके थे। राधा रानी का जन्मदिन आ रहा था और उनके कुछ मित्र भी राधा रानी से मिलने के लिए बरसाना जा रहे थे। तो उनकी सासू माँ ने कहा, बेटा जा, तू भी होआ, क्या पता राधा रानी ही तेरी गोद भर दे। रमा जी ने सोचा, अच्छा मौका है, जाती हूँ। लेकिन उससे एग्जैक्ट एक दिन पहले उनके पैर में चोट लग गई और जाने में जैसे असमर्थ हो गई, या राधा रानी ही बुलाना नहीं चाह रही थी। तो उनकी सासू माँ ने कहा, बेटा तुझे बहुत दर्द हो रहा है, तू रहने दे, छोड़ दे। लेकिन उनकी जिद थी। रमा ने कहा, नहीं, मैं जाऊँगी, राधा रानी से मिलने तो मैं ज़रूर जाऊँगी बरसाना। और जिद पूरी करी। लेकिन उनका परिवार नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। वो अपने दोस्तों के साथ बरसाना पहुंची। अब बरसाना की सीढ़ियां चढ़नी थी राधा रानी के दरबार महल तक पहुंचने के लिए। तो जैसे ही सीढ़ियां चढ़ने लगी, उनकी मित्र कुछ आगे चली गईं, सहेलियां कुछ आगे चली गईं और वो धीरे धीरे जा रही थी क्योंकि उनके पैर पे चोट लगी थी। तभी एक छोटी सी लड़की आई और उसने कहा, मैं आपको ऊपर चढ़ा दूँ अटारी तक? तो उन्होंने कहा, नहीं बेटा, आप तो इतनी छोटी हैं, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊँगी। लेकिन उसने कहा, नहीं, मैं चढ़ा देती हूँ मैया। तो रमा ने कहा, ठीक है, चढ़ा दो। तो वो दोनों साथ में बात करते करते ऊपर को जाने लगे। उन्होंने पूछा, रमा ने पूछा, बेटा आपका क्या नाम है? तो उन्होंने बताया, मुझे प्यार से सब लोग लाडो कहते हैं। तो रमा ने कहा, हो भी तुम बहुत प्यारी, लाडो जैसी। जब वो अटारी पे पहुंचे तो लाडो ने पूछा, मैया मेरे लिए क्या लाई, मुझे दो ना। तो रमा बड़ी अचंभित हुई और उन्होंने कहा, तुम आज ही तो मुझे मिली हो, मुझे क्या पता था तुम मिलोगी, कल तुम वापस मुझे मिलना, अभी तो मैं राधा रानी के जन्मदिन तक यहाँ हूँ, जन्मोत्सव तक मना के ही जाऊँगी, ठीक है, कल मुझे यहाँ पर मिलना, मैं तुम्हें कुछ दूँगी। और बच्ची ने कहा, ठीक है। अगले दिन जब रमा वहाँ पहुँची तो वो पहली सीढ़ी पर बैठ के रमा का इंतज़ार कर रही थी। रमा को देखते ही लाडो मुस्कुराई, बहुत ज़्यादा खुश हुई और कहा, चले मैया। तो रमा ने कहा, ठीक है। और वो लोग जब गए अटारी तक पहुँचे तो रमा ने उसको चूड़ियाँ और पांजेब दी। तो बच्ची बोली, लाडो बोली, क्या मैया, पूरा सिंगार तो लेके आती, केवल ये दो चीज़ें लेके आई? तो रमा ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी पूरे बाकी के दिन भी निभाने हैं, है ना, अगर आज ही सब कुछ दे देती तो कल तुम फिर क्यों आती? एक एक करके ही सब कुछ मिलेगा, कल फिर आना, कल फिर मिलना, कल फिर मदद करना और फिर मिलेगा। और ऐसा कह के लाडो वहां से चली गई और रमा जी भी मंदिर में दर्शन करने चले गए। ऐसे ही रोज लाडो मिलती और रोज रमा जी उसे कुछ ना कुछ देती, चूड़ियां, कंगन, पांजेब, यहां तक कि चोली, लहंगा तक। अब छठे दिन में जब रमा जी वहां पहुंची तो लाडो अपने साथ एक बच्चा भी लाई थी, जिसकी मोटी मोटी आंखें थी, घुंघराले से बाल। रमा ने उसे बच्चे को देखते ही पूछा, ये कौन है? तो रमा बोली, ये मेरा सखा है, आप कुछ लाई है ना मेरे लिए, इसके लिए भी कुछ लाई है क्या? तो रमा ने कहा, मुझे क्या पता था तुम्हारा सखा भी आएगा, चलो ठीक है, कल इसके लिए भी ले आऊंगी, अभी चले। और वो तीनों ऊपर अटारी तक चले गए और उसके बाद लाडो, लाडो का सखा, दोनों घर को वापस चले गए। रमा अगले दिन
उस बच्चे के लिए भी बहुत ही प्यारी पोशाक लाई। अब वृंदावन और बरसाना जैसी जगहों में हर भगवान में कृष्ण और राधा रानी तो दिखते ही हैं, तो उनके लिए भी वो कृष्ण के वस्त्र ले आई और वस्त्र बच्चे को दिए। और उसके बाद वो लोग अटारी तक गए जैसे हमेशा जाते थे और फिर वो वापस चली गई। जिस दिन राधा रानी का जन्मदिन था उस दिन रमा जी जैसे ही सीढ़ियों पर पहुंची उन्होंने देखा वहां लाडो नहीं है, तो सोचा कि क्या पता बच्चे ऊपर को चले गए हों। अब उनका पैर भी थोड़ा ठीक हो गया था तो वो खुद ही लाडो को ढूंढते ढूंढते ऊपर को जाने लगी, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी लाडो कहाँ मिलती। जब मंदिर में पहुंची तो भीड़ और ज़्यादा बढ़ गई, मंदिर में बच्चा मिलना तो जैसे इम्पॉसिबल था। फिर भी चारों तरफ नजरें घूम रही थी, सब राधा रानी के दर्शन के लिए व्याकुल हो रहे थे और जैसे रमा जी तो लाडो के लिए व्याकुल हो रही थी, लाडो लाडो लाडो। तभी इसी बीच राधा रानी का पर्दा खुला और सबने राधा रानी जय हो, राधे राधे, राधे राधे का जय जयकारा लगाया। सबने तो जय जयकारा लगाया लेकिन रमा जी ने जो देखा उनकी आंखें खुली की खुली रह गई और पैरों के नीचे से 2 मिनट के लिए सही लेकिन जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि जो जो चीजें उन्होंने लाडो को दी थी त्यों की त्यों चीजें राधा रानी ने पहनी हुई हैं और साथ में कृष्ण भगवान ने भी। वो अचंभित थी और आंखों से आंसू झरझर झरझर बह रहे थे और राधे 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 का गुणगान कर रही थी, साथ में लाडो लाडो भी। जब सब लोग चले गए तो उन्होंने पूछा, पंडित जी ये राधा रानी का आज श्रृंगार और पोशाक किसने पहनाई है? तो पंडित जी ने कहा, आज राधा रानी ने खुद को खुद ही पोशाक पहनाई है। हुआ यूं कि जब हमने आज उनके जन्मदिन के दिन पट खोले तो हमने देखा ये वस्त्र और गहने पहले से वहां रखे हैं, तो हमने इसे मर्जी मानकर राधा रानी को पहना दिया कुछ भी ना सोचे। और ऐसा कह के पंडित जी तो वहां से चले गए, लेकिन रमा वो मानने को तैयार नहीं थी। वो कह रही थी कि मेरी लाडो यहीं कहीं है और लाडो लाडो करके उन्हें ढूंढती जा रही थी। रमा को अगले दिन वापस जाना था लेकिन लाडो के इंतज़ार में कौन सी गाड़ी, कौन सा समय और कौन सा परिवार। उनके दोस्तों ने उन्हें काफ़ी समझाया लेकिन वो नहीं समझी। उनका परिवार भी उन्हें समझाने के लिए आया लेकिन वो नहीं मानी। और एक नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 साल रोती रही लाडो लाडो सीढ़ियों में इंतज़ार में कि कभी ना कभी तो राधा रानी आएंगी। और जो तभी मैं आपसे कह रही थी कि सोच के वृंदावन या बरसाना की भूमि पर जाना प्रेम हो जाएगा, तो क्या हुआ, रमा को मिली राधा रानी या लाडो? 20 साल बीतने के बाद तो कुछ नहीं हुआ लेकिन 30 साल बीत गए और कहते हैं ना उस भक्त के आंसू नहीं थमे। तब एक दिन राधा रानी वही लाडो का रूप धारण कर आई और कहा, मैया इतना क्यों रो रही हो? अब रमा जी वृद्ध हो चुकी थी, जैसे ही उनकी तरफ देखा बोली, लाडो तुम कहाँ चली गई थी, इतना ही समय लगा दिया। और फिर बताते हैं लोग कि वो उनमें ही विलीन हो गई और वहीं प्राण त्याग दिए। भगवान का भक्त था, अनंत भक्त, भगवान में ही मिलकर रह गया। तो वृंदावन बरसाना एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई चमत्कार नहीं होता फिर भी कई चमत्कार होते हैं। ये एक सत्य प्रसंग था जिसे सुनने के बाद मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी सच्चाई भावना जागी उत्पत्तित हुई तो हृदय में मनन करते हुए जाइएगा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, और लाइक बटन पे क्लिक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मिलूंगी एक अच्छे से सत्य प्रसंग के साथ। तब तक अपना, अपने परिवार का ख्याल रखिए और लगे रहिए भक्ति में। श्री कृष्णा, राधे राधे।